जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 5। यहाँ पर हमको एक सारणी दी गई है, एक तालिका दी गई है जिसमें सारे टीम दी गई हैं। यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से मैच, कितने मैच खेले हैं, उनमें से कितने उन्होंने जीते हैं, कितने हार गए हैं, कितने ड्रॉ हो गए हैं और उनको कितने पॉइंट्स मिले हैं, ये हमारी इस तालिका में दिखाया गया है। अब हमको इस तालिका को पढ़ते हुए देखते हुए हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट की इस तालिका में बांग्लादेश सबसे निचले पायदान पर क्यों है? चलिए देख लेते हैं क्यों है। बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, जीता एक भी नहीं, 3 के 3 वो हार गया, ड्रॉ कोई नहीं हुआ, पॉइंट्स 0 मिले हैं उसको। तो ऑप्शन हमें दिए हैं, उसने सबसे अधिक मैच खेले हैं, नहीं अधिक तो नहीं खेले, उसने सबसे अधिक मैच हारे हैं, सबसे अधिक मैच हारे भी नहीं हैं। हारने वाले में देखिए, ये सबसे अधिक मैच दक्षिण अफ्रीका ने हारे हैं, इससे ज़्यादा तो वेस्ट इंडीज़ ने भी हारे हैं, तो ये भी नहीं है। उसने अपने सभी मैच हारे हैं, हाँ उसने 3 में से 3 मैच, 3 के 3 वो हार गया, उसने अपने सभी मैच हारे हैं, हाँ उसने अपने सभी मैच जीते हैं, ये घ में लिखा है जीते हैं, तो जीते तो हैं ही नहीं, उसने अपने सभी मैच हारे हैं, तो हमारा उत्तर है ग, उसने अपने सभी मैच हारे हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सबसे अधिक मैच दक्षिण अफ्रीका ने हारे, फिर भी तालिका में वह बांग्लादेश से ऊपर है, क्योंकि सबसे अधिक मैच दक्षिण अफ्रीका से हारे हैं उसने, फिर भी वो बांग्लादेश से ऊपर है, क्योंकि देखिए सबसे अधिक मैच दक्षिण अफ्रीका ने हारे हैं, बिल्कुल ठीक 6 मैच, लेकिन बांग्लादेश से वो फिर भी ऊपर है, क्योंकि एक मैच बांग्लादेश से उसने जीता भी है, मतलब बांग्लादेश ने एक भी मैच नहीं जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने एक मैच जीता है। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने एक मैच जीता भी है, तो हमारा क उत्तर ही सही है, इसी पर निशान लगा लीजिए। तीसरा देखते हैं, तालिका में वह टीम किस स्थान पर है जिसने भारत से अधिक मैच जीते हैं? भारत के मैच देख लेते हैं हम पहले। भारत ने 7 मैच जीते हैं, और कौन सी टीम ऐसी है जिसने भारत से ज़्यादा मैच जीते हैं? ये है देखिए 8 मैच जीतने वाली टीम, और ये है 8 मैच जीतने वाली टीम इंग्लैंड, और ये तीसरे स्थान पर है, तो हमारा उत्तर ख हमारा उत्तर होगा तीसरा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, आपके अनुसार क्रिकेट टूर्नामेंट में पॉइंट्स का निर्धारण किस बात से तय होता है? तो ज़्यादा मैच खेलने से नहीं, ज़्यादा मैच खेले हों बेशक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिक मैच खेलने से, ज़्यादा मैच जीतने से, अधिक मैच खेलने से, कम मैच हारने से, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने सारणी में सबको देखा, सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जीत हार और ड्रॉ आदि के आधार पर, तो हमारा उत्तर है घ, जीत हार और ड्रॉ आदि के आधार पर। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट नंबर 5 कक्षा 9 की पूरी हुई, अब आप इसको पूरा कर लीजिए। थैंक यू बेटा।